फरवरी 2024 में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस ने हजारों किसानों को पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर जबरदस्ती दिल्ली आने से रोका। किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाकर अपनी फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना चाहते थे। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर फायरिंग हुई जिससे कई सौ किसान घायल हुए और एक की मौत हुई। 4 महीने बाद अभी भी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या धो रहे हो? बर्तन तो रहे हैं जी, दूध के ड्रम। सर साहब, क्या नाम है आपका? भूपिंदर सिंह। आप कहाँ से हो? थरवे से। यहाँ कब से बैठे हो? यहाँ तो हो गए बहुत दिन हो गए, सर्दी थी अब गर्मी हो गई है। हाँ जी। आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? जब तक मोदी उठाएगा। लेकिन मोदी तो फिर वापस आ गया। चलो, उसकी इच्छा वापस आ गया, जद भी सदार उसकी आत्मा जी है। मैं नूनी MSP नहीं मिलती गारंटी। अच्छा, जब तक MSP नहीं मिलती। हाँ, कानूनी कानूनी। हाँ। लेकिन अभी सरकार ने कुछ कहा था ना कि कुछ MSP नहीं, ये तो रेट बताया ना जो कानूनी मांग रहे ना, जो कानूनी बिजली कानूनी करो MSP। अभी कानूनी नहीं किया है। नहीं। तो आप तब तक बैठे रहोगे जब तक ये पूरा नहीं होता काम। जब तक हमारी मंगा नहीं मंगी जाती जब तक बैठे। आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे MSP अभी तक नहीं दिया। कहाँ दिया सर? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विक्की सर। क्या करते हो आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ सर, स्कूल वैन। स्कूल वैन सर? स्कूल वैन चलाते हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। क्या सेवा करते हो? सेवा लंगर, लंगर चल रहा है, लंगर बरताते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, लस्सी पिलावेंगे जी। अभी तो बहुत गर्मी है। हाँ, बहुत गर्मी है। ये क्या कर रहे हैं सर? मोदी बैठा रहा है, मन बैठना पै रहा है। मोदी को क्या कहना चाहोगे? मोदी को यही कहना चाहते सर, हमारा जो मांगे हैं वो पूरी करो सर। वैसे कहते हैं हम मजदूर बातें ऐसे कर रहे हैं, किसान वास्ते ऐसे कर रहे हैं, ना मजदूर बातें किया ना किसान बातें किया, वहीं बस कहने की बात है, करना कोई नहीं है जी। बाकी रास्ते खुले करो जी, जेड़े गवर्नमेंट ने बंद करे हुए रास्ते। ठीक है, नहीं ये मजदूर थोड़ी करे हुए किसानों ने, ये तो गवर्नमेंट ने करे हुए। हाँ, आप देखो, 2-4 दिन आपने भी सुना होगा 14 फसलों पर इन्होंने MSP बढ़ाई है, रेट बढ़ाया, MSP नहीं दी। आप रेट बढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो भी 100 रुपया जहाँ इस पर 500 रुपया, मक्की पर 400 रुपया, जिस जो भी चारों है ना फसलें उन पर आपने कह दिया भी बढ़ोतरी होगी, उस पर कैसे यकीन कर लें जब तक जहाँ MSP तय नहीं है? कैसे यकीन कर लें भी वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं? जब तक MSP की तय नहीं होती तब तक हमें मिलता नहीं है गारंटी, ये लिखा अपने लाते नहीं है अपने पार्लियामेंट में, इसे पास नहीं करते बिल को। ये कैसे कर लें? जो 100 रुपया आज बयान दिया कल को फिर बयान दे देंगे भी 200 कम कर दिया, क्या करेंगे इसका बताएं? हम 13 तारीख से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। 13 फरवरी से मतलब 4 महीने हो गए। हाँ, लगातार हम यहाँ पर हैं और आपने देखा ही है कि जब 13 तारीख को और 14 तारीख को बहुत बड़ी शैलिंग हुई थी, वहाँ हमारे सैकड़ों किसान जख्मी हुए, तो उसके बाद 21 को बहुत बड़ी शैलिंग हुई जिसमें हमारा शुभकरण सिंह की मौत भी हुई है। तो तब से लेकर आज तक लड़ रहे हैं लोग, बहुत कभी हजारों की गिनती में यहाँ होते हैं, कभी अब धान की बुआई चल रही है, अब कुछ गिनती कम हुई है, 10-15 दिन में फिर बढ़ जाएगा। तो जो सरकार ने जितनी बड़ी शैलिंग की है, एक तो ये बात उन्होंने बता दी कि किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे दुश्मन देश के साथ करते हैं। जितने भी भाई हमारे कुछ फौज में से रिटायर थे या पुलिस में से रिटायर थे जो अब हमारे साथ हैं यूनियनों में, वो भी बोलते हैं कि हमने देश में कभी भी ऐसा मंजर नहीं देखा जो यहाँ सिंगू टिकरी में जैसा हुआ, तो ये पहली बार है। दूसरी बात, एक जो हमको बुरी लगती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो
हमको ये बोलते हैं कि तुम वहाँ धरना लगा के बैठ जाते हो, तुम वहाँ बैठ जाते हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। तो समझने वाली बात है कि किसान धरना लगाते क्यों हैं। पंजाब और हरियाणा में तो जितनी भी लोगों की परेशानियां है वो सबके लिए अकेला किसान ही लड़ रहा है। चाहे कोई टोल वाला ज़्यादा पैसे वसूल रहा है, वहाँ भी किसान लड़ेगा। किसी चीज़ के दाम बढ़ गए, वहाँ भी किसान लड़ेगा। किसी के साथ अन्याय हो गया, वहाँ भी किसान जत्थेबंदी लड़ेगी। और किसान की ही ताकत है जो मोदी को 400 का जो सपना देखा था उसने वो तोड़ दिया, खासकर यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में तो उसको क्लीन स्वीप कर दिया। तो ये किसानों की ताकत है। आंदोलन राजस्थान में आंदोलन है, वहाँ से भी यदि विरोधी पार्टी कुछ ताकत में आई है तो वो भी किसान आंदोलन की वजह से है। दुख इस बात का लगता है कि अकेला किसान ही क्यों लड़ रहा है, यदि सभी तबके मजदूर बड़ी गिनती में है, व्यापारी वर्ग, छोटा व्यापारी जो है बहुत बड़ी गिनती में है, यदि वो किसानों के साथ खड़ा हो जाए तो हम देश का जो ये सिस्टम चला रखा है लूट का सिस्टम उसको बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक तो वो लड़ नहीं रहे, ऊपर से जो शहरी तबका है वो इन उनके प्रचार माध्यम इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने हम शहरी तबके के सामने किसानों को विलन बना के पेश कर दिया। मेरे को याद है जब पिछली बार हम सिंगू और टिकरी पे पहुँचे थे, कुंडली बॉर्डर पे पहुँचे थे, तो हमारे खिलाफ इतना बड़ा प्रचार किया गया था, इतना दुष्प्रचार किया गया था कि लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे कि ये तो बहुत गड़बड़ाले आदमी यहाँ आ गए। 3 दिन के बाद उन्होंने दरवाजे खोले, फिर उनको जब हमारे साथ बात हुई, मिले जुले, फिर उनको पता चला ये तो अच्छे आदमी है। तो दूसरी बात यही भी, जब हम वहाँ से उठ के आए तो रो रहे थे वो भी, भाई क्यों जा रहे हो तुम। तो हमारा जो चेहरा बिगाड़ के पेश कर रहा है, यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हमको नेगेटिव बना के पेश कर रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। अकेले किसानों के लिए नहीं है, सभी तबकों के लिए है। क्योंकि पहले हसीन बागला आंदोलन हुआ, उस पर क्या क्या बोला गया, पर उन्होंने वही तरीका किसान आंदोलन पर भी अजमाया, सभी अजमाया, पर किसान इतने ताकतवर थे या लोगों ने, कुछ जो बुद्धिजीवी तबका है, कुछ आप जैसे बढ़िया पत्रकार हैं, उन्होंने किसानों का ऐसा जमकर साथ दिया कि हमारे पंजाब में गाने बन गए उस पर भी, ये बड़े बड़े अमीर लोग जो किसी की सुनते नहीं थे, किसानों ने उसको उल्टा लटका दिया। तो किसानों की ताकत तो है, पर सभी का साथ भी चाहिए किसानों को। रही बात मोदी सरकार की, मोदी जी सपने बड़े देखते हैं, तो वो जो अपने आप को महानायक समझते हैं, एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ी यही कर रहे हैं कि वो अपने आप को महानायक समझते हैं। तो पिछली बार की तुलना में अब किसान संगठन की तकड़े ताकतवर हैं हम, क्योंकि जब चुनाव से पहले वो बहुत ताकत में था मोदी, अब वो बैसाखियों पर आ गई है उसकी सरकार, अब बैसाखियों के सारे चल रही है। तो अब हमारे हौसले भी बड़े हुए हैं कि हम उस वक्त लड़ सकते हैं जब ये पूरी ताकत में था, हम तब नहीं घबराए और इसको हरा दिया। तो अब तो ये बैसाखियों वाली सरकार है, हमारे यहाँ सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई हम अकेले। ये एक तो ये बात भी गलत है कि किसान खुद MSP मांग रहा है, तो MSP तो किसान को चाहिए और किसी को तो इससे लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, जिस पर MSP नहीं है वो व्यापारी खरीदता है, वो नकली शॉर्ट्स पैदा करता है, वही सभी जो माल है वो जब ग्राहकों तक पहुंचता तो बहुत महंगा हो जाता है। तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पूरे कीर्ति लोगों की और पूरे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हमको MSP मिलेगी, सरकार हमारा गेहूं, धान और दूसरी तेल वाली फसलें, दालें हैं वो खरीदेगी, तो सरकार के पास होगा, तो व्यापारी जो लूट करता है बीच में से वो बंद हो जाएगी। तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। मोदी जी के लिए आपका क्या संदेश है? और ये जो नए जो कृषि मंत्री बने हैं, जिनको मध्य प्रदेश में सब मामा जी कहते थे, इन दोनों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश तो मैं समझता हूँ, संदेश तो हमारा वो सुनते नहीं है, हम तो उनको एक चेतावनी दे सकते हैं कि लोगों के खिलाफ, वो इतिहास में देखें, लोगों के खिलाफ जो भी गया है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हुकूमत क्यों ना हो, तो ताकत आती जाती रहती है, कभी मेरे पास है, कभी आपके पास होगी, कभी और किसी के पास होगी। तो ताकत के अहंकार में आप लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं, अभी अरुंधति राय पर पर्चा दर्ज कर दिया, तो जो भी बोलता है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे बुद्धिजीवी है, उसको जो आप ऐसा समझते हैं कि उसको जेल में डालकर उसको पर्चा दर्ज करके उसकी जबान बंद करेंगे, तो ये एक बात की गारंटी बनती है कि आप बहुत जल्द जाने वाले हो।
बहुत जल्द। अब आप ज्यादा लंबा चलने वाले नहीं हो, क्योंकि लोग कभी भी तलवार के जोर पर, डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर लोगों को दबाकर नहीं रखा जा सकता। लोगों को साथ में लेके चल के, लोगों के दुख तकलीफ को समझ के तभी इस सिस्टम को चलाया जा सकता है। बंदूक के जोर पर कोई भी हुकूमत आज तक ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। इससे कंगना रनौत ने भी बयान दिया भी जे पंजाब में आतंकवाद उभर रहा है। मैं समझता हूँ ये घटिया बयानबाजी है, ऐसी घटिया सोच लेके नहीं चलना चाहिए। एक आप MP हिमाचल अपने देश के एक राज के आपको जिता के उन्होंने MP बनाया है, आप बड़े लेवल पर चले गए हो, आपके ऊपर देश की जनता का पूरा ही दामोदार आ गया है, फिर भी आप ऐसे बयानबाजी करोगे। आप पहले तो चल फिल्मों में काम करते थे, तब पिछले आंदोलन में इन्होंने बयान दिया था वी जे 100-100 पर हमारी जो माएँ जब बहनें मेरी चाची ताई यहाँ पर जो भी बैठे थे उन पर बैठे 100-100 रुपये दिहाड़ी पर आती हैं, कितना घटिया बयान था। तब भी चलो छोड़ दिया, उसको जाने दिया, दिल पर नहीं लगाते हम, किसी ने बोला चलो जाने दिया, पर अब तो हद कर दी ना इसने। जे उग्रवाद फैल रहा है, कहाँ उग्रवाद फैल रहा है उसको मैं पूछना चाहूँगा, कंगना रनौत के को पूछना चाहूँगा मैं कि जब किसी भी बॉर्डर पर, जम्मू पर जब उग्रवादी हमला होता है, तब 5 शहीद होते हैं वहाँ फौजी, तब उनमें से 4 पंजाब के होते हैं, पंजाब के वो नौजवान तिरंगे में लिपटे आते हैं, लाशें उनकी आती हैं, वो क्या उग्रवादी हो गए? आज से मेरे ख्याल से आप सबको भी पता है, इस देश को, हिंदुस्तान भारत को बचाने के लिए 90-95% कुर्बानी पंजाब की है, पंजाबियों का खून डुला हुआ है। उस पंजाबी 90% को भी आप खालिस्तानी कहोगे? जी पता नहीं बीजेपी के कुछ लीडरों की चाल है, जब बीजेपी की राजनीति ही धर्म पर चलती है। देखो राम जो आपने तो बहुत इस पर चर्चा की होगी, राम पर इन्होंने बहुत राजनीति की, राम लल्ला को ले आए उंगली पकड़ के। अरे राम तुम्हें जन्म देने वाला, तुम उंगली पकड़ के लाओगे उसको? यार कैसी बातें शर्मनाक करते हैं। फिर अयोध्या वाले ने तो दिखा दिया इनको तारा भी राम तो वही है, तुम नहीं बन सकते। इनके चंगुल से निकलने के लिए हमको अयोध्या वालों से सीखना चाहिए, और जैसे सबको अयोध्या के लोगों ने इनको सिखाया, वैसे सभी देशवासियों को इनको सबको सिखाना चाहिए। क्या अपराध कर दिया जो किसान आपको खाना देते हैं, आपका पेट भरते हैं, पिज्जा से लेके बर्गर जो आप सब चीज जो भी चीज आप पिज्जा से लेके खाते हो सब किसान के खेत में पैदा होकर जाता है, फिर आपके मुंह में आता है, तो फिर भी आप उसी अन्नदाता को ये बात कह के फटकारो जे इनकी मातें 100-100 पर दिहाड़ी पर आती हैं, हैं? शर्म वाली बात है। माँ बहन सबकी एक होनी चाहिए इन पर। तो कंगना रनौत पर मैं भी मंदी शब्दावली तो बोलना नहीं चाहता, समझो उसकी अकल थोड़ी है उसको, जहाँ पता नहीं समझाने वाला उसको, उसका माँ बाप नहीं मिला जो उसको अकल दे सके, भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के प्रति। चलो परमात्मा उसको बुद्धि बख्शे, कभी तो समझ आएगी। तपती गर्मी है, सड़क है, धूप है, तरपाले आप देख रहे हैं इस पर खड़े हो, कितनी गर्मी आ जाती है, पर मजे ले रहे हैं। सरकार जो जितना जुल्म कर रही है हमें उतना मजा आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। उस गुरु ने हमें शक्ति ऐसी बख्शी है, जहाँ कह लीजिए एक सहनशीलता होती है ना, वो सब्र हमारे में सब्र ही इतना है, वो कर लो जुल्म। तो मुझे बताइए आपको यहाँ कितने महीने हो गए हैं? 4 महीना हो गए। और यहाँ आप कब तक बैठे रहोगे? जब तक यहाँ से निपटता नहीं, जब तक बैठे रहेंगे, हम सेवा करते रहेंगे, किसानों की सेवा करने। आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? हमारी MSP गारंटी कानून पास कर दो, किसान घर चले जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार वापस आई है, लेकिन कम बहुमत के साथ, इनके लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहोगे? आप कहते हैं करता तो कुछ नहीं, झूठ बोलता है, रेलवे बेचती है, सारा कुछ तो बेचती है, इसके पास है क्या है? इसके पास कुछ नहीं है, ये तो पुतली हो गया, एक पुतली। सरकार तो जी कल्ली है नहीं मोदी की, अब पुतली यार इधर खींच लेगा तो इधर हो जाएगा, इधर को खींच लेगा इधर हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है। इस वक्त यहाँ कुल कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? यहाँ कोई अंदाजा नहीं, यहाँ 1 लाख भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 500 भी हैं, जे कॉल करेंगे तो 2 लाख भी हो जाएगा। अच्छा। और कॉल पर बात है, जे कहीं जरूरी कॉल करनी है तो दम दम बस संपर्क के जरिए आ जाएंगे।
एक घंटे के अंदर अंदर पूरा बिल्कुल जाम। मोदी का पता नहीं कहाँ रोज रोड में चप्पल मारी और बोलती ना अभी उग्रवादी वहाँ कौन है उग्रवादी, जहाँ रोड थोड़ में मारी ना चप्पल वहाँ उग्रवादी कहाँ से आ गया। तो बोलते रहे पंजाब में उग्रवादी है, वहाँ कहाँ से आएगा उग्रवादी चप्पल मिली, बनारस में बताओ कहाँ से उग्रवादी आया। तो इसका क्या मतलब बना जब चप्पल नहीं, और कहते हैं ना भी पंजाब में उग्रवादी है तो किसी ने शरारती है तो चप्पल मारती, तो वहाँ उग्रवादी कहाँ से आ गया। ये हम बना देगा उग्रवादी, हम उग्रवादी नहीं है पर बनाए जा रहे हम उग्रवादी, दुखी बहुत है। ये बात देख लो कितना टेम्परेचर था 47-48 टेम्परेचर हो लिया, तो यहाँ बैठे ना बुजुर्ग घर छोड़े बाहर छोड़े, कोई 200 किलोमीटर तय है कोई 300 किलोमीटर तय है, ट्रेलियम है कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई खास नहीं है जी, आ जा तो आ जा नहीं आ जा, अंधी भी है बारिश भी है, तो ये तो बैठे बेचारे, तो उनका श्राप तो मारेगा ना, पाप का घड़ा तो भरेगा, एक दिन दो दिन तो भरेगा ना, इसका पाप का घड़ा भर गया, थोड़ा टाइम है ज़्यादा टाइम नहीं है। जब यहाँ शैलिंग हो रही थी सभी यहाँ थे, अब जब शांति है यहाँ आंदोलन एक स्थिरता से चल रहा है तो वो भी धरने की खबर उस तरह से नहीं लगा रहा है। अभी पंजाब के में भी होता है कई बार वो हमको पूछते हैं लोग भी यार आंदोलन हमारा चल रहा है कि नहीं पंजाब में, तो ये मीडिया का जहाँ से किनारा कर लेना और अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में और मसलों पर चले जाना, ये भी एक कारण है कि जितने इस आंदोलन को मीडिया ने कवरेज करनी चाहिए थी वो उतनी मिल नहीं रही, ये भी बड़ी बात। मोदी सरकार जो थी पहले अभी तो एक्स हो गई है, क्योंकि हम अभी उनको एक्स मानते हैं, क्योंकि मोदी एक टांग के ऊपर है, अभी जो पिछली सरकार थी इसकी बहुत तंग किया, अभी जो हमारी जितनी भी मांगे हैं वो मांगे हमें आस है कि जो नई सरकार आएगी वो हमारी मांगों को पूरा करेगी और हम अपने घर खुशी खुशी से वापस जाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कहते हैं भी किसान जो सरकारें हम पर ये कठ कम है ये बहुत नहीं है ये तो थोड़ी सी है, ये बताने चाहते हैं लड़ने वाले लोग थोड़े ही होते हैं।